Assalamu alaikum. Tarebachum. Well, this is class sixth, subject general English, chapter number five, topic Kashmiri Shahs. So, my dear students, we are going here to study.

खास तौर पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं गार्डनस गार्डनस यहाँ के बाग पूरी दुनिया में मशहूर है जैसे कि शालीमार गार्डन जैसे कि हरवन निशाद टुलिप गार्डन सो वी हैव ए नंबर ऑफ़ गार्डनज हयर जिनकी वजह से कश्मीर पूरी दुनिया में मशहूर है मोगल गार्डनज़ है यहाँ पे तो अगर हम दो चार लिख कर रखेंगे तो हमें याद रखने में आसानी होगी तो कौन कौन सा गार्डन है यहाँ पे है कश्मीर में ओके okay. वेल well, हाँ शालीमार गार्डन हरवन ठीक है मुगल गार्डन्स टूलिप गार्डन ओके तो जिनकी वजह से पूरी दुनिया में कश्मीर जो है फेमस है नाउ दूसरा यहाँ पे है वुड कैरविंग वुड कैरविंग आपने देखा होगा ये वुड कैरविंग की वजह से पूरी वर्ल्ड में कश्मीर फेमस है यहाँ पे जो अखरोट की लकड़ी है उस पर जो कार्विंग की जाती है उस पर जो काम किया जाता है या और भी लकड़ी उन पर जो काम किया जाता है उस वजह से कश्मीर पूरी वर्ल्ड में फेमस है तो उसके बाद तो हम दूसरा है, क्या है वुड कार्विंग यानी लकड़ी का काम ठीक है तो तीसरा यहाँ पे है आर्ट एंड हैंड, हैंडी क्राफ्ट आर्ट एंड क्रैफ्ट आर्ट में अगर हम देखें पूरी वर्ल्ड में जो कश्मीर आप पेपर माशी जो एक आर्ट है पूरी वर्ल्ड में कश्मीर नंबर वन पोजीशन पे है यानी पेपर माशी की वजह से पेपर माशी जो है वो कश्मीर में ही शायद उसका आगाज हुआ था तो दूसरा आर्ट हमारे पास है आ, कपड़े पे जो काम किया जाता है क्रूअल वर्क है जैसे कि क्रूअल वर्क आप देखते हैं यहाँ पे जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है जैसे कि दूसरा है शाल्स पे जो काम होता है उसको हैंडी कहते हैं शाल्स पे जो सुई से सुई धागे से काम होता है पूरे वर्ल्ड में उस वजह से कश्मीर फेमस है तो आर्ट एंड हैंडी क्राफ्ट में भी कश्मीर पूरी जहाँ पे जो शाल्स बनाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में उस वजह से कश्मीर फेमस है तो रिवर आ, रिवर्स एंड लेक्स एक और चीज़ है रिवर्स दरिया यहाँ पे जो है या लेक्स झील्स जो यहाँ पे है तो उस वजह से कश्मीर काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है जैसे कि हमारे पास है झील डल है झील वलोर है झील मानसबल है मानस हमारे पास मानसर लेक है आ, हमारे पास आ, रिवर्स आ, जालिम है सो माई डियर स्टूडेंट्स उन वजह से कश्मीर काफ़ी फेमस है तो एक और चीज़ है वेंटर सपोर्ट्स यहाँ पे खेली जाती है तो उस वजह से कश्मीर काफ़ी फेमस है हॉस्पिटेलिटी यहाँ की जो मेहमान नवाजी की वजह से पूरे वर्ल्ड में कश्मीर फेमस है और यहाँ पे जो मेहमान नवाजी हो होती है मेहमानों के साथ जो सलूक किया जाता है शायद ही वर्ल्ड में कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है यहाँ की मेहमान नवाजी की वजह से कश्मीर काफ़ी फेमस है कश्मीर आ, कश्मीरी शुजैन कश्मीरी शुजैन यानी यहाँ पे जो टेक्ट है यहाँ पे जो वाजवान कश्मीरी वाजवान जो है पूरी वर्ल्ड में ये फेमस है यहाँ पे जो बावच्ची का वो हम कह सकते हैं उनकी वो आ, जो बनाने का तरीका है उस वजह से जो खाना यहाँ पे पकवान यहाँ पे बनता है शायद ही वर्ल्ड में कहीं पे बनता होगा तो उस वजह से जो कश्मीरी आप कह सकते हैं रिश्ता गोश्ता वगैरह वगैरह उन वजह से भी यहाँ पे ये यह कश्मीर काफ़ी फेमस है तो कश्मीरी सुजैन मींस कश्मीरी वाजवान कश्मीरी पकवान उस वजह से कश्मीर काफ़ी फेमस है तो टेंपल्स भी यहाँ पे है जैसे कि हमारे पास शंकर आजार्या टेम्पल या वैष्ण देवी टैंपल तो जहाँ पे उस वजह से कश्मीर काफ़ी फेमस है तो माई डियर स्टूडेंट्स तो वी हैव रीड अबाउट सो मैनी गार्डन गार्डनज कश्मीरी फेमस इन द वर्ल्ड ड्यू टू गार्डनर्स वुड कार्विंग आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट रिवर्स लेकस सपोर्ट्स सैनिक ब्यूटी सैनिक ब्यूटी एक और चीज़ है जो कि पूरे जिसकी वजह से कश्मीर फेमस है यानी नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ है कुदरती मनाजिर जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं शायद ही वर्ल्ड में कहीं पे मिलते हूँ जिस वजह से कश्मीर को जन्नत भी कहा जाता है तो सैनिक ब्यूटी मींस कुदरती मनाजिर नेचुरल ब्यूटी हम कह सकते हैं तो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स रीड चलो हम पढ़ते हैं यहाँ से हु डज नाट नो अबाउट द वाली ऑफ कश्मीर ए ब्यूटिफुल प्लेस इन द नार्थ इंडिया इट इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ वर्ल्ड में कौन नहीं जानता कश्मीर की खूबसूरती के बारे में कश्मीर को वर्ल्ड में कौन नहीं जानता ये एक खूबसूरत जगह हिंदुस्तान के नार्थ में पड़ती है जिसे कश्मीर पैराडाइज ऑन जिसे दुनिया जन्नत कहा जाता है इट इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर इट इज़ सैनिक ब्यूटी

नेम एंड फैम आउट द वर्ल्ड जो हैंडी कैप्ट है यहाँ पे जो आत है यहाँ पे उस वजह से इसने वर्ल्ड में काफ़ी मशहूरी पाई है एमन दीज हेंडी इज कश्मीरी शाल इन हेंडी में जो हाथ का काम यहाँ पे किया जाता है जो हाथ से यहाँ पे कारीगरी की जाती है तो उनमें से एक जो जी कैप्स में उनमें से ये काम है जिसको कहते हैं कश्मीरी शॉल्स कश्मीरी शॉल्स ए फाइन एंड लाइट वॉपिंग दैट कीप्स यू वार्म इन वेंटर एंड गिव्स एलिगेंस टू योर ब्यूटी काफ़ी कश्मीरी शाल्स जो है काफ़ी uh, ख़ूबसूरत खूबसूरत काम होता है जो आपको विंटर में uh, क्या करते हैं विंटर में आपको गर्म रखते हैं और आपकी जो ख़ूबसूरती है उसको और ज़्यादा बढ़ाती है आपकी पर्सनलिटी आपकी शख्सियत को काफ़ी ये ऐसा काम है ये ऐसा कपड़े का ऐसा काम है कपड़े पे ऐसा काम है और ऐसा ताना बाना है जो आपकी विंटर में आपको सर्दियों में आपको गर्म रखते हैं और आपकी जो ये ख़ूबसूरती है इसको बढ़ाती है आपकी पर्सनलिटी को बढ़ाती है आपकी शख्सियत को बढ़ावा देती है कश्मीर हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग शॉल्स फ्रॉम सेंचुरीज़ नाउ सदियों से कश्मीर अब कश्मीर हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग शॉल्स कश्मीर हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग शॉल्स फॉर सेंचुरीज़ नाउ अब सदियाँ सदियों से कश्मीर क्या करते हैं शाल्स प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे शाल्स सदियों से बनाए जाते हैं ये कल की बात नहीं है या इस सदी की बात नहीं है बल्कि सदियों से ये चलता आ रहा है कश्मीरी शाल्स यहाँ पे जो बनते हैं ये सदियों से बनते हैं फ्रांसिस बर्नियर वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड कश्मीर इन 1664 फ्रांसिक बर्नियर नाम का शख्स जो था यूरोपियन थे वो वो पहली बार कश्मीर आए थे उन्होंने कश्मीर का विजिट किया था सैर किया था सोलह में एंड हु रोट वो लिखते हैं कौन लिखते हैं फ्रांसिक फ्रांसिस बर्नियर फ्रांसिस बर्नियर लिखते हैं एंड हु रोट दैट द सॉफ्टनेस एंड डेलिकेसी ऑफ दिस लोकल फैब्रिक जिसने फ्रांसिस बर्नियर लिखते हैं किसके बारे में जो यहाँ पे वो शालस बनते हैं उन शालों की जो सॉफ्टनेस है उनकी जो नज़ाकत है उस फैब्रिक की उस कपड़े की जो कश्मीर कश्मीर का लोकल कपड़ा जो यहाँ पे बनाया जाता है उसकी नज़ाकत और उसकी क्या कहते हैं उसकी खूबसूरती और उसकी सॉफ्टनेस के बारे में वो लिखते हैं These शाल are worn ऑन hand looms by मैन बट डियर स्टूडेंट्स आज हम यहाँ स्टॉप uh, करते हैं इनशाला कल हम इससे आगे बढ़ते हैं ओके दीज आर दाल्स